हैश कोड 2020 का रैप अप करते हैं आज, और हैश कोड 2020 पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो गया क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी टीम टॉप 15 टीम्स में नहीं आई, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हैश कोड में, और इसके लिए हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि पिछली लास्ट वीडियो में कहा था कि 100 टीमें होनी चाहिए और 100 टीमें तो नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल 100 के करीब टीम्स थी इस दफ़ा पाकिस्तान से, और 88 टीम्स थी। लाइक इसका मतलब ये है कि पार्टिसिपेंट्स 200 से भी ज़्यादा थे, क्योंकि एक टीम में 4 तक पार्टिसिपेंट होते हैं, किसी में 2 होते हैं, तो वो लाजमी 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट इस साल हैश कोड में थे। हैश कोड जिन लोगों ने मिस कर दिया उनके लिए मैं ये बताता हूँ कि हैश कोड एक गूगल की तरफ से कंपटीशन होता है, जिधर कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग होती है। आपको कोई प्रॉब्लम देता गूगल, आपने उसको सॉल्व करना होता है, बेस्ट रिजल्ट निकालने होते हैं, एल्गोरिथम होता है, मतलब 3-4 घंटों में आपने करनी होती है, और जो बंदा जो 15 टीम्स जीत जाती हैं ऑनलाइन क्वालिफिकेशन राउंड, वो डेफिनेटली गूगल हेड ऑफिस जाती हैं। तो लास्ट ईयर का अगर हम देखें 2019 का, तो पाकिस्तान से 18 टीमें थीं, ठीक है, और इस साल अगर देखें और इंडिया के भी देख लेते हैं, इंडिया के साथ हमारी टक्कर होती है, तो इंडिया की 959 थी, ठीक है, तकरीबन 1000 के करीब उनकी थी, हमारी 18 टीम्स थी, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान की कितनी टीम्स हैं ये देखते हैं। इस साल 88, ओके, ऑलमोस्ट 4-5 गुना इस दफ़ा ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी पाकिस्तान से, तो ये काफ़ी इनकरेजिंग है, ये डेफिनेटली एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान से ज़्यादा टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, और डेफिनेटली ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी इसमें। अब जिन 88 ने पार्टिसिपेट किया उन्हें मज़ा आया, तो वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर लाजमन हज़ारों के हिसाब से पार्टिसिपेंट पाकिस्तान से होंगे। और अगर हम मैं आपको थोड़ा सा रैप अप देता हूँ इसका, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है थी इसकी, ये आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका सलूशन मैंने एक अपलोड कर दिया, ठीक है, अभी आज इसका एक्सटेंडेड राउंड चल रहा है, ठीक है, एक्सटेंडेड राउंड का कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये अब ये वाला जो राउंड था इसमें 3-4 घंटे में करना था, आप देखें मेरा 2:28 पे एरर आ गया था, तो वो अपलोड वो वाला अपलोड नहीं हुआ, तो मेरे कोई पॉइंट थे तकरीबन 5 मिलियन से कम, ठीक है, तो अब आपको जब प्रॉब्लम समझ आ जाती है तो टाइम ख़त्म हो गया, तो कम से कम बंदे की जो माइंड का सरप्राइज होता है या क्यूरियसिटी होती है कि यार पता नहीं मेरा सोल्यूशन क्या रिजल्ट होता, तो उसके लिए एक्सटेंडेड राउंड उन्होंने ना अलाउ कर दिया। एक्सटेंडेड राउंड की कोई वेटेज वगैरह तो नहीं है, लेकिन इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी एल्गोरिथम कि क्या स्किल्स हैं और आप कितना अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हो। अब मेरी एग्जांपल में देख सकते हैं कि मेरा 5 मिलियन से कम था, इधर मेरा 24 मिलियन से ज़्यादा स्कोर हो गया, तो इस तरह आप इस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली सर्टिफिकेट्स आपको इस तरह के आगे होंगे, ठीक है, मेरा 7615 नंबर है और मैं प्राउड हूँ इस पर कि ये वाला मेरा नंबर है, ठीक है, और ये बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, बिल्कुल इजी सी थी, आपको कॉम्बिनेशन बनाने थे, ठीक है, और बिल्कुल इजी सी अपना दिमाग एडजस्ट लड़ाना था, ठीक है, और इसका मैंने एक सोल्यूशन जो मैंने जिसका रिजल्ट ये है ये वाला सोल्यूशन मैंने पब्लिक कर दिया है, ये मैं इसकी रिपोजिटरी भी शेयर कर दूँगा, ठीक है, तो अब आप इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि इसको ये मतलब ये कोई इतना प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं था, अगर आप देखें तो ये 50 मिनट एक्सिक्यूशन में लगाता है, इतना ये ब्रूट फोर्स टाइप का सोल्यूशन था, ठीक है, तो आप इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस टाइप का सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम ओपन करें तो सिर्फ 100 लाइन्स ऑफ कोड था, ठीक है, और जो बंदा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स गेट कर सका, कम टाइम में कर सका, ज़्यादा दिमाग लड़ा सका, वो अमेरिका चला गया और हम इधर बैठे हैं, तो नेक्स्ट ये ट्राई करेंगे और आप भी पार्टिसिपेट करें इसमें। और अभी 2 और प्रोग्राम चल रहे हैं इनके, गूगल किक स्टार्ट और गूगल कोड जैम, ये भी बिल्कुल सिमिलर हैं, तो उनके बारे में भी वीडियोस बनाते हैं, तो तब के लिए